द टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस सो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस देर आर टू पार्ट टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इट सेल्फ और उसके बाद फिर वो तमाम फैक्टर्स जो कि उस प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं so सो हम अभी आज इस प्रोसेस को कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस को एक दफ़ा डिटेल के साथ गो थ्रू करेंगे सो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस हैज़ सिक्स स्टेप्स इन्वॉल्व स्टार्टिंग फ्रॉम दुलस गोज अप टिल द पोस्ट परचेस बिहेवियर के हवाले से सो so, हमारे पास नॉर्मली एज ए रिटेलर हमेशा एक टारगेट होता है वो ये होता है कि रिटेलर हर स्टेज के ऊपर हर स्टेप के ऊपर असिस्ट करता है कस्टमर को ताकि कस्टमर को एक अच्छे तरीके से वो बाइंग कस्टमर के अंदर या परचेज कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर सके सो आई विल डिस्कस विद यू ऑल द सिक्स स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस वन बाय वन तो हमारे पास सबसे पहले ये सिक्स स्टेप्स है जो कि डिसीजन प्रोसेस के हवाले से हैं विच इज़ नंबर वन इज़ द स्टिमुलस नंबर टू इज़ प्रॉब्लम अवेयरनेस फिर हम मूव करेंगे इंफॉर्मेशन सर्च की तरफ इंफॉर्मेशन सर्च के बाद इट इज़ द इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव के बाद इट इज़ परचेज एक्चुअल परचेज और फिर उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर ये ए पार्ट है जिस तरह मैंने बताया कि इस इस प्रोसेस के दो हिस्से हैं वन इज़ द डिसीजन प्रोसेस इट और दूसरा वो फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस को तो वो कौन से दो फैक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर वन इज़ द डेमोग्राफिक्स इस तरह से अभी हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले और सेकेंड पार्ट इज़ दी लाइफ तो मैं अब आपको डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ कि हाउ इट विल वर्क सो एग्ज़ाम्पल के साथ हम इस डिसीजन प्रोसेस को समझते हैं विच विल रियली हेल्प आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनरल आपको गर्मी लग रही है हीट है तो दैट हीट दैट गर्मी इज एक्चुअली स्टिमुलस उससे कुछ जनरेट होगा उस हीट से कुछ जनरेट होगा विच मीन्स आपको या तो प्यास लग रही होगी यू विल फील थर्स्ट अबाउट इट अब थर्स्टी जो है आइडेंटिफिकेशन जो है जो प्रॉब्लम अवेयरनेस है वो एक्चुअली थर्स्ट है प्यास है जो कि उस गर्मी की वजह से आपको लगी सो so एक्चुअली जहां पर आपकी नीड राउस हो रही है जहाँ पे नीड क्रिएट हो तो वो स्टिमुलस है हाउ इट विल क्रिएट इज द स्टिमुलस विच मीन्स दी गर्मी वाला पार्ट एंड देन प्रॉब्लम अवेयरनेस इज़ जहां पर आपकी नीड आइडेंटिफाई हो गई है विच मीन्स जहां पे आपको पता लगा कि मुझे जो है उस गर्मी से प्यास लगी है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम आते हैं विच इज़ इंफॉर्मेशन सर्च तीसरी केस के अंदर तीसरे स्टेप के ऊपर वो ये है कि जब आपको प्यास लग गई है ऑलरेडी अब आप ये देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं अपनी इस प्यास को मिटाने के लिए सो वट आर दी ऑप्शन अवेलेबल विद मी आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि मैं पानी पी लूँ मैं कोई जूस पी लूँ मैं कोई फ्रेश जूस पी लूँ मैं कोई डब्बे वाला जूस पी लूँ मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँ क्या तो वट आर दी ऑल्टरनेटिव आई हैव अवेलेबल तो ये इन्फॉर्मेशन सर्च के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं अगेन जब आप इस इस ऑप्शन में से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप उन ऑप्शन को उन उन ऑल्टरनेटिवस को इवेल्यूएट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर आप इवेल्यूएट करते हैं उन तमाम ऑल्टरनेटिवस को कि मेरी वो जो नीड है यानी कि जो मेरी जो थर्स थी मेरी जो प्यास थी उसको बुझाने के लिए मेरे लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट वन फॉर एग्ज़ाम्पल शायद पानी मुझे फ्री मिल जाए मेरे पास पैसे नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं या मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मे भी शायद मैं जूस ले लूँगा या मैं अगर ना हेल्थ कॉन्शियस हूँ ना मुझे मेरे पास पैसे भी मौजूद है तो मे बी आई विल गो फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक तो कोई भी फैक्टर हो सकता है मैं तमाम फैक्टर्स को इवेल्यूएट करूँगा उन तमाम ऑल्टरनेटिवस के ऊपर कि कौन सा ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट फॉर मी और जब मैं उसको फाइनलाइज कर लूंगा एज ए कस्टमर तो देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आई विल गो एंड परचेज अगर मेरे फाइनलाइज़ किया है अगर मैंने सेलेक्ट किया है वेल्यूएट करने के बाद कि यस पानी मेरी मुझे सबसे सब ज़्यादा हेल्प करेगा मुझे मेरी प्यास को बुझाने के लिए सो आई विल गो एंड मेक द परचेज ऑफ वाटर और उसके फौरन बाद फिर उसके बाद जब हम पोस्ट परचेज बिहेवियर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम्पल के हवाले से कि कस्टमर ने लेट से पानी पी लिया है एंड ही सेटिस्फाइड विद दैट परचेज तो क्या वो री परचेज की तरफ जाता है दोबारा से अगर दोबारा उसको कभी प्यास लगेगी सो दैट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को डिसीजन प्रोसेस को डायरेक्टली किसी इस एग्जाम्पल के थ्रू लट से क्विकली एक्सप्लेन करूं तो जिस तरह मैंने बताया कि कस्टमर को प्यास लगी दैट वाज द स्टेप वन और फिर उस प्यास को बुझाने के लिए उसको आइडिया हुआ कि मुझे उसको so गर्मी लगी दैट वाज द स्टेप वन उस गर्मी से उसको प्यास लगी दैट वाज द स्टेप टू फिर उस प्यास को को बुझाने के लिए उस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने डिफरेंट ऑप्शंस को इवेल्यूएट किया वो पानी था वो बॉटल थी वो जूस था और फिर उसके बाद उसने उन तमाम ऑप्शन को तमाम ऑल्टरनेटिवस को इवेल्यूएट किया और सेलेक्ट किया कि वो परचेस करेगा वाटर को और फिर अगर वो मुतमईन है अपनी इस सिलेक्शन से सो दैन ही कैन गो एंड रिपीट दैट परचेज ये एक एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस की है कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस में फ्राम स्टेमुलस टू दोस्ट परचेज बिहेवियर ये बात जानना जरूरी है कि इस तमाम परचेज प्रोसेस के अंदर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होंगे ऑफकोर्स वो डेमोग्राफिक्स हैं वो कस्टमर का मेरिटल स्टेटस है वो उसका जेंडर है वो उसकी एज ग्रुप है वो उसका इनकम लेवल है वो उसका ऑक्यूपेशन लेवल है सो so, तमाम डेमोग्राफिक्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे होंगे इस प्रोसेस को ऑफ कोर्स अगर ये प्यास किसी बच्चे को लगी है तो द होल डिसीजन प्रोसेस विल बी डिफरेंट ये प्यास अगर किसी बूढ़े शख्स को लगी है सो द होल द होल डाइट डिसीजन प्रोसेस विल बी चेंज तो विच मीन्स डेमोग्राफिक विल बी इफेक्टिंग ह्यूज टू तो दिस डिसीजन प्रोसेस इसी तरीके से लाइफ ऑफ़ द कस्टमर अगर कस्टमर जो है वो किस सोशल क्लास से है वो किस कल्चर से है ये भी इन्फ्लुंस करेगा इफेक्ट करेगा इस पूरे प्रोसेस को एक और एग्जाम्पल क्विकली डिस्कस करते हैं इसी कंप्लीट डिसीजन प्रोसेस को लेते हुए अगर हम बात करते हैं लेट्स से आपने टेलीविजन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर लेट्स से यू हैव सीन एन एड सो दैट एड एक्चुअली इज द स्टिमुलस वो एड से क्या हो रहा है कि एक्चुअली आपकी नीड को अराउज किया जा रहा है आपकी नीड को निकाला जा रहा है आपकी नीड को क्रिएट किया जा रहा है डिज़ायर को क्रिएट किया जा रहा है सो दैट इज एक्चुअली स्टिमुलस उसके बाद अगर वो नीड वाकई उसने इट हैज़ मेड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू सो देन फ़ौर आप स्टेप टू के ऊपर आएंगे स्टेप टू के ऊपर आएंगे और आप ये कहते हैं कि ठीक है मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखी है और वो एडवर्टीज़मेंट है क्लोदिंग के हवाले से कपड़ों के हवाले से तो फ़ौर नीड डिज़ायर आपको क्रिएट हुई है कि हाँ मुझे कपड़े बाय करने चाहिए हाँ मुझे ज़रूरत है या बहुत अच्छी सेल लगी हुई है बहुत अच्छी एडवर्टीज़मेंट आ गई है कि आई एम कन्विस्ड कि हाँ मुझे जो है वो शॉपिंग करनी चाहिए मुझे जो है वह कपड़े बाय करने चाहिए सो so एक्चुअली आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया अपनी आपने प्रॉब्लम को अवेयर कर लिया उसके बाद जब आप थर्ड स्टेज uh, के ऊपर आते हैं तो फिर फ़ौरन आप देखेंगे कि ओफ, अच्छा ओके okay, मुझे पता लग गया है कि मेरे पास मुझे कपड़े क्लोथ्स बाय करने हैं सो वट आर दी ऑल्टरनेटिव आई हैव सो आई विल गो फॉर सर्चिंग दी इंफॉर्मेशन जब मैं वो तमाम इंफॉर्मेशन को सर्च कर लूँगा आई हैव कि मैं शुड आई गो टू बाई फ्राम जे डॉट शुड आई गो एंड बाई फ्राम लेट से यूनिवर्स शुड आई गो एंड बाई फ्राम समय सम वेर एल्स आउटफिटर चला जाऊँ कहीं और चला जाऊँ तो कहाँ मैं जाऊँ कहाँ से जा कर बाई करूंगा आई विल इवेलुएट ऑल दी इंफॉर्मेशन हच या मैं इवेल्यूएट करूंगा और कहाँ कहाँ से लगी हुई है ताकि मुझे पता लगे वो तमाम ऑप्शन कहाँ पर मुझे बेस्ट ऑप्शन नजर आएगी मैं इवेल्यूएट करूँगा उन तमाम ऑप्शन को फिर उन ऑप्शन में से उन ऑल्टरनेटिवस में से जो कि मुझे बेस्ट लगेगा इमिजिएटली आई विल गो देर एंड बाई दैट क्लोथ्स बाय द क्लोथ्स और कपड़े जो मैं बाई करना चाह रहा था जिसकी मुझे डिज़ायर क्रिएट हुई थी जिसकी मुझे नीड क्रिएट हुई थी मैं वो परचेज डिसीजन ले लूंगा फिर उसके बाद इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद दैट परचेज ऑफ द क्लोथ्स दैन इमीजिएटली पोस्ट परचेज बिहेवियर के ऊपर तो देन आई कैन गो एंड रिपीट दैट डिसीजन ऑल्सो इन फ्यूचर और इमीजिएटली दोनों सूरतों के अंदर पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है और अगेन इस पूरे डिसीजन प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेमोग्राफिक्स की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है लेट से जिस तरह मैंने पहले एज ग्रुप की एग्जांपल दी तो अभी अगर मैं बात करूं इनकम लेवल के हवाले से तो आपकी इनकम साइज क्या है आपका इनकम क्या है उसके अकॉर्डिंगली ऑफकोर्स डिसीजन प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा आपको अगर प्रोडक्ट्स बाय करनी है तो यू विल गो एंड फाइंड ऑप्शन फ्राम पेनोरामा और यू विल गो एंड फाइंड ऑप्शन फ्राम लिबर्टी और सम अदर मार्केट्स सो आपको अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी कि मेरे पास डेमोग्राफिक्स के हवाले से क्या इम्पैक्ट क्या इफेक्ट है ऑन द टोटल डिसीजन प्रोसेस इसी तरीके से लाइफ स्टाइल भी इस पूरे डिसीजन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है कस्टमर का डिसीजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलर को समझना और नॉर्मली जो अच्छे रिटेलर हैं दे ऑलवेज हेल्प री दे ऑलवेज हेल्प कस्टमर्स कंज्यूमर्स रिटेल शॉपर्स कि वो तमाम स्टेप्स के ऊपर कस्टमर को हेल्प करे। लेट से अगर कस्टमर को रिटेलर हैज़ ऑल दी ऑप्शन इफ कस्टमर वॉट टू सेलेक्ट बेस्ट ऑप्शन तो रिटेलर जो है वो उसको गाइड करे कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन ताकि वो वाकई एक परचेज डिसीजन की तरफ जा सके और कन्वर्ट हो सके फॉर फॉर द प्रोडक्टिव कस्टमर एज फॉर द रिटेलर